केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी आई है। झारखंड में भी लोगों को इसका फायदा पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस कीमत में कटौती को छलावा बता रही है। केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी, महंगाई के मोर्चे पर मिली थोड़ी राहत। झारखंड में 8.87 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। महंगाई के मोर्चे पर जूझ रहे देशवासियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत LPG में 200 रुपए की कटौती करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद झारखंड में पेट्रोल की कीमत में 8.87 रुपए और डीजल की कीमत में 7.37 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। इस कटौती के बाद राजधानी रांची में पेट्रोल 99.84 रुपए और डीजल 94.65 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। इससे पहले तक पेट्रोल 108.71 रुपए और डीजल 102.02 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा था। कीमत में कटौती के बाद आम लोगों ने आगे भी राहत की उम्मीद जाहिर की है। बहुत ज्यादा रिलीफ लग रहा है, अब ऐसे ही रहेगा तो और ज्यादा दाम ना बढ़े, यही काम ना करते। ये पहले एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को माफ करनी चाहिए थी, बट चले ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और JMM कीमत में कटौती को छलावा बता रही है। इसे लेकर पेट्रोल पंप पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन भी किया। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि देश को रोज, और ये भी गारंटी नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि फिर 10 दिन में दाम बढ़ जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव पर आपने उस समय कंस्टेंट रखा, आज फिर लोगों का कहना है कि गुजरात और हिमाचल के आने वाले चुनाव को देखते हुए आपने जो दाम कम किए हैं, जो आप वाहवाही ले रहे हैं, सच ये है कि आप ये धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मूर्ख न समझे देश की जनता को, आने वाले समय में एक जन क्रांति की आहट सुनाई पड़ती है। निश्चित तौर पर इनको झुकना होगा जैसे किसान आंदोलन में झुके। दूसरी ओर प्रदेश BJP केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है और महंगाई पर स्ट्राइक बता रही है। LPG गैसों में जो सब्सिडी छोड़ने का काम किया था, अभी भी लोग सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि सभी वर्ग के लोगों को विश्वास है कि मोदी को यदि हम मदद करेंगे तो पैसा देश के लिए जाएगा, देश के विकास के लिए जाएगा, वो किसी व्यक्ति, किसी परिवार के सदस्य के लिए नहीं जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पेट्रोलियम पदार्थों पर कीमत में कटौती का लाभ लोग कब तक उठा पाते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार पहले कीमत बढ़ाती है, फिर उसमें कटौती करके वाहवाही लूटती है। रांची से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, Zee Media।